दूसरे के बैंक खातों में अब आप पैसा नहीं जमा करा सकेंगे। जिसका बैंक अकाउंट है, बैंक जाकर उसे खुद ही पैसा डिपॉजिट करना होगा। आपको बता दें कि बैंकों में मौजूद इस सुविधा से आयकर विभाग को कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसमें मनी लॉन्डरिंग और ब्लैक मनी के हेरफेर की शिकायत शामिल है, जिसके बाद आयकर विभाग ने सरकारी बैंकों से इस नियम को खत्म करने को कहा है। हालांकि ये नियम अभी सिर्फ SBI ने ही लागू किया है और जल्द ही दूसरे सरकारी बैंक भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन SBI बैंक ने विशेष परिस्थितियों का ख्याल रखा है। उदाहरण के तौर पर, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के बैंक खाते में नकदी जमा करना चाहते हैं, तो ए को बी से एक अनुमति लेटर लिखवाना होगा, जिस पर बी का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। हालांकि बैंक ने साफ किया है कि अगर कोई ऑनलाइन तरीके से किसी के बैंक खाते में पैसा जमा करवाता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, यहाँ ये नियम नहीं लागू होगा। इसके अलावा SBI का कहना ये भी है कि ग्रीन कार्ड और इंस्टा डिपॉजिट कार्ड धारक इस नियम के दायरे में नहीं आते और वो जब चाहे तब दूसरों के बैंक अकाउंट में बैंक जाकर कार्ड के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें। दूसरे के बैंक खातों में अब आप पैसा नहीं जमा करा सकेंगे। जिसका बैंक अकाउंट है, बैंक जाकर उसे खुद ही पैसा डिपॉजिट करना होगा। आपको बता दें कि बैंकों में मौजूद इस सुविधा से आयकर विभाग को कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसमें मनी लॉन्डरिंग और ब्लैक मनी के हेरफेर की शिकायत शामिल है, जिसके बाद आयकर विभाग ने सरकारी बैंकों से इस नियम को खत्म करने को कहा है। हालांकि ये नियम अभी सिर्फ SBI ने ही लागू किया है और जल्द ही दूसरे सरकारी बैंक भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन SBI बैंक ने विशेष परिस्थितियों का ख्याल रखा है। उदाहरण के तौर पर, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के बैंक खाते में नकदी जमा करना चाहते हैं, तो ए को बी से एक अनुमति लेटर लिखवाना होगा, जिस पर बी का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। हालांकि बैंक ने साफ किया है कि अगर कोई ऑनलाइन तरीके से किसी के बैंक खाते में पैसा जमा करवाता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, यहाँ ये नियम नहीं लागू होगा। इसके अलावा SBI का कहना ये भी है कि ग्रीन कार्ड और इंस्टा डिपॉजिट कार्ड धारक इस नियम के दायरे में नहीं आते और वो जब चाहे तब दूसरों के बैंक अकाउंट में बैंक जाकर कार्ड के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें।